सो वेलकम टू दिस ब्रांड वीडियो फ्रॉम द फिजिक्स चैनल आज हम एक मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर uh, टॉर्क कितनी लगती है ये कैलकुलेट करेंगे उस टॉक एक्टर की डायरेक्शन क्या होती है ये एग्जाम्पल एक देखेंगे और उस टॉक से कितनी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है ये हम देखने वाले हैं सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट गोइंग डिस्कशन तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल तो देखो अगर आपको एक मैग्नेटिक डायपोल दिया गया है और इस डायपोल की जो डायपोल मोमेंट है वो दी गई है एम ये एम मैग्नेटिक डायपोल की डायपोल uh, मोमेंट है ये कैसे कैलकुलेट की जाती है ये हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं अब इसी लोकेशन पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है और इस फील्ड का इंडक्शन गिवन है बी दोनों ही वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो हमें थीटा गिवन है दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन देम तो अब इस मैग्नेटिक uh, डायपोल के ऊपर जो टॉर्क लगती है हम उस टॉर्क को बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं ये टॉर्क आ जाती है m डायपोल मोमेंट क्रॉस बी m क्रॉस बी ये टॉर्क आ जाएगी अब ये जो टॉर्क है इसका मैग्नीट्यूड तो एम बी कॉस थीटा होता ही है और इसकी जो डायरेक्शन है ये क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से आ जाती है इसके लिए आप एक सिंपल रूल याद रखें कि एम के, के हेड से बी के हेड की तरफ हम राइट right हैंड की उंगली घुमाएंगे और फिर राइट right हैंड का एक्सटेंडेड अंगूठा दिखा देंगे तो इस पर्टिकुलर केस में आपको उंगली ऐसे घुमानी है एम के हेड से बी के हेड की तरफ ये ऐसे आप उंगली घुमाएंगे और राइट right हैंड की उंगलियों को इस रेड एरो की डायरेक्शन में घुमाते हुए आप एक्सटेंड कर देंगे अपने थंब को तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस रेड एरो Right की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियां घुमाई और अंगूठा दिखाया तो इनटू टू द प्लेन टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है और ये टॉर्क वेक्टर एम को आ, रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एम की रोटेशन होगी इस टॉर्क वेक्टर की वजह से अब देखिए ये तो टॉर्क आ तो देखिए ये है वेक्टर एम का हेड और ये है वेक्टर बी का हेड तो एम के हेड से बी के हेड की तरफ राइट हैंड की उंगलियां ऐसे घुमाइए और फिर थंब एक्सटेंड करके डायरेक्शन पा लीजिए तो अगर मैं यही इस डायग्राम में इस तरीके से दिखाता हूं एम के हेड से बी के हेड की तरफ राइट हैंड की उंगलियां घुमा के तो ये थम्ब जो है ये दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर आ रहा है इस तरीके से तो यू कैन इमेजिन के जो आपने डायग्राम देखा है उसमें ये एम क्रॉस बी वैक्टर की डायरेक्शन क्या आती है और दूसरा इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो आती है वो आ जाती है माइनस एम डॉट बी ये कैसे आती है इसकी कैलकुलेशन मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल के चैप्टर में पढ़ चुके हैं तो इस ये जो दो रिलेशंस का सेट हमें मिला है इस रिलेशन सेट के एनालॉजी परफेक्ट एनालॉजी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हुआ करती है लेट मी रिमाइंड यू ऑफ दी कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूले फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क कितनी हुआ करती थी याद कीजिए हुआ करती थी टी क्रॉस ई और पोटेंशियल एनर्जी रहा करती थी माइनस पी डॉट ई तो आप चाहें तो इन रिलेशंस की डेरिवेशंस को रिविजिट कर सकते हैं वहां से ये एग्जैक्ट वही रिलेशंस हैं जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ भी कर चुके हैं तो ये दो रिलेशंस जो हमने देखी हैं इनका इस्तेमाल अब हम करने वाले हैं आने वाले कुछ वीडियोस में आने वाले कुछ लेसन्स में आज के इस लेसन में हम इस कॉन्सेप्ट का एक सिंपल प्रॉब्लम को डिस्कस करने में एप्लीकेशन देखेंगे ये प्रॉब्लम आई टी के पेपर में इन द पास्ट आई हुई है तो ये प्रॉब्लम क्या है मैं आपको डिस्क्राइब uh, करता हूं तो लेट्स सी के एग्जैक्टली <coughs> exactly ये प्रॉब्लम क्या है तो अब देखिए एक आपको ये <coughs> एक्स और वाई एक्सीज का सेट दिया गया है यह है वाई एक्सिस और यह है एक्स एक्सिस अब यहां पर आपको एक स्क्वायर फ्रेम दिया गया है और ये स्क्वायर फ्रेम चार रॉड्स को मिलाकर बनाया गया है दिस फ्रेम इज़ मेड अप ऑफ फोर आइडेंटिकल रॉड्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये चार आइडेंटिकल रॉड्स हैं जिन्हें मिला के ये स्क्वायर फ्रेम बनाया गया है अब इसके सभी पॉइंट्स को हम नेमिंग कर देते हैं तो ऑल फोर कॉर्नर्स ए बी सी डी हर रॉड इस फ्रेम की हर रॉड हैज ए मास एम ईच रॉड हेयर हैज़ ए मास एम एंड लेंथ एल तो ये जो रॉड्स हैं चार रॉड्स हैं ए बी बी सी सी डी डी ए हर एक का मास एम दिया गया है और हर रॉड का लेंथ एल दिया गया है अब इस पूरे रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड भी दिया और इस फ्रेम के अंदर करंट भी है फ्रेम में जो करंट दिया गया है वो ऐसे इंडिकेटेड डायरेक्शन के अलोंग चल रहा है ये आप देख सकते हो ये करंट इस फ्रेम में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है राइट right? तो फ्रेम के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है और इस पूरे रीजन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कि दिया गया है बी न, आ, बी इक्वल टू बी नॉट आई कैप प्लस बी नॉट जे कैप ये मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है और आपको ये स्क्वायर शेप का वायर फ्रेम भी दिया हुआ है इस वायर फ्रेम की डायपोल मोमेंट हम काफ़ी आसानी के साथ अब कैलकुलेट कर सकते हैं देखिए इसकी डायपोल मोमेंट जो आएगी ये रहेगी एम इक्वल टू आई एल स्क्वायर करंट इंटू स्क्वायर ऑफ एरिया करेंट इन टू एरिया नॉट स्क्वायर ऑफ एरिया करंट इंटू एरिया टाइम्स वैक्टर केक ये आसानी से आप देख सकते हो करंट जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में आप राइट right हैंड की उंगलियां घुमाए और फिर ठेंगा दिखाएँ डायरेक्शन के कैप आपको मिल जाएगी तो ये है डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड अब हमें ये क्या क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि इस डायपोल के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क लगने वाली है उस टॉर्क की वजह से ये कितनी एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रोटेट करेगा तो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करके बताना है तो दैट इज़ दी क्वेश्चन दैट वी आर लुकिंग एट नाउ तो क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं जी हम हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन ये भी बताना है अब अल्फा बताना है तो इसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी अल्फा होता है एक्शियल वैक्टर या एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होता है तो वो एक्सेस भी आपको पता करके बतानी होगी तो सबसे पहला काम तो इसमें टॉर्क कैलकुलेट करने का ही करते हैं लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द टॉर्क तो देखिए टॉर्क जो आ रही है ये कितनी आ रही है एम क्रॉस बी करेक्ट एम कितना है आई एल स्क्वायर के कैप क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ ले रहे हैं बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप के साथ तो यह आ गया आई एल स्क्वायर बी नॉट के कैप क्रॉस आई कैप तो हो जाएगा जे कैप और के कैप क्रॉस जे कैप कितना हो जाएगा के कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा माइनस आई कैप करेक्ट तो लेट मी एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम के कैप क्रॉस आई कैप ये क्या आया ये तो आ गया जे कैप और के कैप क्रॉस जे कैप ये आ जाएगा माइनस आई कैप ओके सो आई आई होप यू गेटिंग दिस परफेक्टली राइट नाउ तो ये तो हमारा टॉर्क वेक्टर आया टॉर्क वेक्टर जो ये आया है इसका मैग्नीट्यूड कितना निकला इसका मैग्नीट्यूड आ गया है आई एम श्योर आप ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने में परफेक्टली केपेबल हो आई एल बी नॉट रूट टू ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है तो वी गॉट दी मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क वेक्टर। फिर आ, दूसरा काम हमें यह करना है कि इस टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है इसकी डायरेक्शन जो होगी वो एग्जैक्टली exactly वही है जो जे कैप माइनस आई कैप वेक्टर की है तो अगर हम जे कैप वेक्टर माइनस आई कैप वेक्टर ये बनाकर देखें जे कैप माइनस आई कैप वेक्टर तो इसकी डायरेक्शन देखो क्या आती है जे कैप तो होगा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अंदर जे कैप तो रहेगा पॉजिटिव वाई में और माइनस आई कैप रहेगा नेगेटिव एक्स में तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा देखिए ये है जे कैप और ये है माइनस आई कैप दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किस तरफ आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा ये 45 डिग्री के एंगल पर यहाँ आप देख सकते हो ये वाला एंगल 45 डिग्री रहेगा 45 डिग्री करेक्ट अब ये वेक्टर जो है जे कैप माइनस आई कैप वेक्टर इसकी डायरेक्शन में ही टॉर्क वेक्टर है ये डायरेक्शन है टॉर्क वेक्टर की यह 45 डिग्री नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से बना रहा है अब ये टॉर्क वेक्टर की आती है डायरेक्शन राइट right? अब आपको मैं एक बात रिमाइंड कराता हूँ फ्रॉम योर चैप्टर ऑन रोटेशनल मैकेनिक्स के टॉर्क वेक्टर जो होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होता है तो ये टॉर्क वेक्टर जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है ये टॉर्क वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है अब यहाँ पर नेट फोर्स जो डायपोल पर होती है इस फ्रेम के ऊपर जो नेट फोर्स है वो तो है ज़ीरो इसका मतलब इस फ्रेम का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो रेस्ट पे है तो इस डायग्राम में आ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आ जाएगा ये पॉइंट जो मैंने ग्रीन पॉइंट बनाया है सेंटर पर ये देख सकते हो ग्रीन कलर का पॉइंट राइट एट द सेंटर ये सेंटर ऑफ मास है और ये सेंटर ऑफ मास यहाँ रेस्ट पर है क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो है और एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो आप देख सकते हो ऐसे 45 डिग्री एंगल पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा क्योंकि टॉर्क वेक्टर इसी डायरेक्शन में है तो टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन के पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन होनी चाहिए तो टॉर्क वेक्टर के पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन है और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है अब अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को सेंटर ऑफ मास से पास करना तो ज़रूरी है ही अब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास करेगी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो तो सेंटर ऑफ मास से पास करेगी और नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगी तो ये जो मैंने नीले कलर की लाइन बनाकर दिखाई इस नीले कलर वाली लाइन के अलोंग टॉर्क वेक्टर है इसी लाइन के अलोंग एक्सेस ऑफ रोटेशन भी रहेगा तो एक्सेस ऑफ रोटेशन हो जाएगी बी डी बी डी जो डा है वो एक्सेस ऑफ रोटेशन है सो so, इस बात को यहाँ हम लिख लेते हैं कि द एक्सेस ऑफ रोटेशन

अब ये रोटेशन की सेंस कैसे रहेगी रोटेशन किस डायरेक्शन में होने वाली है देखिए अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बी डी है ये बी डी जो लाइन है मैं एक ये लाइन बनाकर दिखा देता हूँ बी डी यह एक्सिस ऑफ रोटेशन है करेक्ट दिस लाइन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन और टॉर्क वेक्टर बी डी डायरेक्शन के अलॉन्ग है तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं जिससे आपको रोटेशन की सेंस यहाँ मिल जाएगी रोटेशन की सेंस कैसे मिलेगी आप क्या करेंगे आप अपना राइट हैंड का अंगूठा बी डी के अलोंग रखेंगे टॉर्क वेक्टर के अलोंग अब जिस डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियां रोटेट करेंगी वही डायरेक्शन हो जाएगी रोटेशन की तो राइट हैंड की उंगलियों के रोटेशन की डायरेक्शन इस फ्रेम के रोटेशन की डायरेक्शन होगी तो यहाँ पर आप आसानी से अब देख सकते हो कि ये लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये जो मैंने एरो से इंडिकेट की ये सेंस ऑफ रोटेशन आएगी तो सेंस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों हमें समझ में आ गए तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि बी डी जो लाइन है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम कैलकुलेट करें तो टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम यहाँ पर इस डायग्राम को ज़रा दोबारा बना लेते हैं ये हमारा डायग्राम इधर आ गया है राइट right. तो इस बी डी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया जाए ये रही हमारी लाइन बी डी राइट तो बी डी जो लाइन है उसके अबाउट हम uh, <coughs> अल्फा एंग कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो बी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ये कैसे आएगा अब देखिए <coughs> मैं आपको एक अल्टरनेट सेट ऑफ एक्सीज बना कर दिखाता हूँ ये है मान लीजिए एक्स प्राइम एक्सिस और ये है वाई प्राइम एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर और इस डायग्राम के प्लेन से परपेंडिकुलर जेड एक्सिस जेड प्राइम एक्सिस रहेगी तो अब जरा जेड प्राइम एक्सिस की बात हो जाए पहले तो तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द जेड प्राइम एक्सिस अब कोई भी एक रॉड जैसे कि ए बी रॉड है उसको हम कंसिडर कर लेंगे लेट्स फर्स्ट कंसिडर द रॉड ए बी ए बी जो रॉड है उसका जेड प्राइम एक्सिस से डिस्टेंस एल बाय टू है ये आप देख सकते हो तो <coughs> Z प्राइम एक्सिस के अबाउट ए बी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है तो Z प्राइम एक्सिस इस डायग्राम के प्लेन से परपेंडिकुलर है और X प्राइम और Y प्राइम का जो ओरिजिन है उसको हम O बोल देते हैं उस O ओरिजिन से पास करती है Z प्राइम एक्सिस O से पास करती है और X प्राइम और Y प्राइम दोनों से परपेंडिकुलर है अब AB का मोमेंट ऑफ इनर्शिया Z प्राइम एक्सिस के अबाउट तो आई आई ए कैलकुलेट करते हैं ए और बी का जो मिड पॉइंट है लेट्स कॉल इट डी तो डी से पास करने वाली आ, कोई भी एक्सेस जो AB से परपेंडिकुलर हो उसके अबाउट तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हो जाता है एम एल बाय ट्वेल्व तो D के अबाउट D से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व है करेक्ट नाउ इफ वी मूव ऑन फ्रॉम D टू o, o से पास करने वाली जो हमारी Z प्राइम एक्सिस है उसके अबाउट कितना हो जाएगा उसके लिए आएगा एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व जो कि हम पहले ही देख चुके हैं ये इसके सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट हो गया अब सेंटर ऑफ मास से शिफ्ट करके आप ओ पॉइंट तक आ रहे हो तो यहाँ क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ये आ जाएगा आई देखिए ये जो एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व लिखा है ये तो आई सी एम है ही और ओ के अबाउट आपके कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आई सी एम प्लस एम इंटू एल बाय टू का स्क्वायर ये आ जाता है एम एल स्क्वायर बाय थ्री इस एक रॉड का इस ओ से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट यानी जेड प्राइम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय थ्री है तो ऐसी ऐसी तो चार रॉड्स हैं तो चारों रॉड्स का मिला के जेड प्राइम एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ये फोर टाइम्स आई ए बी हो जाएगा तो ये क्या रहा फोर एम एल स्क्वायर बाय थ्री अब याद रहे हमें तो बी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था तो बी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम ये फ्रेम दोबारा एक बार बना देते हैं तो ये है हमारा फ्रेम और ये हमारे पॉइंट्स ए बी सी डी हैं जोमेट्रिक सेंटर इस पूरे डायग्राम का ओ, और ओ से पास करने वाली एक ऐसी एक्सिस जो कि इस डायग्राम से परपेंडिकुलर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ये देखिए हमने ये कैलकुलेट कर लिया है एम एल्स फोर एम स्क्वायर बाय थ्री करेक्ट ऑल राइट तो अब मैं दो नई एक्सेस यहाँ बना कर दिखाता हूँ देखिए एक तो मैंने ये बना दी बी डी एक्सेस बी डी के अलॉन्ग पास करने वाली एक्सेस इसको हम बोल देते हैं एक्स डबल प्राइम और एक एक्सेस ले लेते हैं ए सी वाली जिसको हम बोल देते हैं वाई डबल प्राइम ओ के थ्रू पास करने वाली जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो तो हमारी पुराने वाली जेड प्राइम एक्सेस ही है तो आई जेड प्राइम जो है देखिए आई जेड प्राइम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा अब यहाँ आई एक्स डबल प्राइम आई एक्स डबल प्राइम और आई वाई डबल प्राइम ये बराबर हैं वी नो दैट दीज टू आर इक्वल और इन दोनों का जो सम है लेट uh, से इन दोनों को इंडिविजुअली तो हमने आई मान लिया इन दोनों का जो सम होगा टू आई वो कितना हो जाएगा आई जेड प्राइम के अबाउट तो आई क्या आया आई जेड प्राइम बाय टू अब ये जो आई जेड प्राइम बाई टू है ये कितना हो गया अब देखिए आई जेड प्राइम हम कैलकुलेट कर चुके थे ये था आई जेड प्राइम फोर एम एल स्क्वायर बाय थ्री तो आई जेड प्राइम बाय टू क्या हो जाएगा ये आई जेड प्राइम का आधा कितना आया ये आ गया टू एम एल स्क्वायर बाय थ्री तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी डी कितना आ रहा है ये आ रहा है टू एम एल स्क्वायर बाय थ्री ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस बी डी आ गया है अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट कर लिया ये आ गया दैट्स वेरी नाइस टॉर्क हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं इफ आई रिमाइंड यू ऑफ द टॉर्क ये हमारा टॉर्क का मैग्नीट्यूड था डायरेक्शन भी इसकी देख चुके हैं अब तो तो टॉर्क भी मालूम है राइट वी नो द टॉर्क ये रही टॉर्क आ, ये टॉर्क है करेक्ट और यहां ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है तो टॉर्क हमें मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है नाउ द जॉब इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब हमें सिर्फ अल्फा कैलकुलेट करना रह जाता है तो ये क्या आया आई आई एल स्क्वायर, बी नॉट रूट टू इक्वल टू टू एम एल स्क्वायर, बाय थ्री टाइम्स अल्फा। तो यहां एल स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और अल्फा क्या आएगा अल्फा अब आप आपको क्या मिला अल्फा इज इक्वल टू थ्री रूट टू आई बी नॉट बाय टू एम ये आपको अल्फा मिल गया तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल साबित हुआ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क एंड फिर टॉर्क से कितनी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उस एंगुलर एक्सेलरेशन के कैलकुलेशन का सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल Uh, more such examples will be discussed in the upcoming videos in this channel. So please stay tuned. So I hope you uh, liked this new video format from the physics channel. Hope you enjoyed this uh, format. Uh, I have worked fairly hard at uh, mastering certain technologies, certain apps that I'm using for uh, you know drawing these diagrams and uh, for uh, you know presenting the board to you in a more clear way. Uh, तो हो सकता है आपको ये चेंज uh, <coughs> अच्छा लगे uh, इसी उम्मीद से मैंने ये uh, नई टेक्नोलॉजीज़ को मास्टर किया है टू प्रेजेंट दी वीडियोस इन अ वे दैट यू विल फाइंड मोर मीनिंगफुल मोर इंटरेस्टिंग ऑल्सो टू इम्प्रूव द क्लैरिटी ऑफ दीज़ वीडियोज़ सो प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक ऑन दिस न्यू फॉर्मैट ऑल्सो टेल मी As to whether you enjoyed this new format or not, uh, do as always keep liking, sharing, and subscribing. So, uh, <clears throat> bye bye for now. I will be waiting for your feedback.